अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में उसी तरह से मैं कर देता हूँ, लेट 5x माइनस 2 बराबर में डिफरेंस a इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यही ना है जी। चलिए और बटा में dx और प्लस में b, 5x माइनस 2 बराबर में a इंटू डिफरेंसिएशन इसका क्या होगा 2 प्लस में 6x और प्लस में b, 5x माइनस 2 बराबर में यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें इंटू कर दो पहले, 6ax प्लस में 2a प्लस में b। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे x के गुणांकों तथा अचर में तुलना करने पर x के गुणांकों तथा अचर में तुलना करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा 6a बराबर में 5, ठीक है, और 2a प्लस बी बराबर में माइनस का 2, तो यहाँ a बराबर में 5/6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ a की जगह 5/6 रख दो, प्लस में b बराबर माइनस 2, ये कट जाएगा इसको कितना बार में, 3 बार में, ये जाके उधर घटेगा, तो b बराबर में हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 5/3, एलसीएम लेके यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो b बराबर में आ जाएगा एलसीएम इसका 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस का 11/3, बी का वैल्यू -11/3 आया। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना था, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 बटा में, इसे मैं सीधा करके लिख दूं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे 5x माइनस 2 की जगह ये सेकंड वाला स्टेप मैंने बता रखा है, a इंटू 2 प्लस 6x या 6x प्लस 2 ये भी लिख सकते थे, और प्लस b और बटा में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, यहाँ dx लिख देते हैं। चलिए अलग अलग करते हैं, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस में 6x बटा में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 dx, और प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, a और b का हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ 5/6 है, 2 प्लस 6x बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1, और b का वैल्यू माइनस का 11/3, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 11/3 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस में 1, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद देखते हैं, तो इसका तो पता है यार लॉग आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो 5/6 लॉग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका फैक्टर करना होगा पूर्ण वर्ग विधि से, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक काम करें क्या, 3 से भाग 3 से गुना कर देते हैं, 3 से भाग और 3 से गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 3 हो जाएगा, 3 से गुना हो गया, 3 × 9 3 × 6 और 3 × 3 और बाहर 1/3 कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अंदर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ देखो, इसे मैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 इंटू होगा तो ही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर जोड़ दो और 1 का स्क्वायर घटा दो और प्लस में आपका 3 है, ये ना दिया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/3 अंदर हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 ही ना आएगा, 1 माइनस का और ये प्लस का 3 यानी 2 आ जाएगा, तो इसे मैं √2 का स्क्वायर कर दूंगा। चलिए तो अब देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना था किसका, 5x माइनस 2 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, इसी का ना। चलिए तो अब हम लोग इसका देख रहे हैं, ये आया है हमारे पास 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है जी, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, तो इसको हटाकर मैं ये यूज करूँगा 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 11/3, यहाँ देखो इसके जगह पे मैं ये यूज करूंगा तो ये वाला 3 जो है ना ये ऊपर चला आएगा, पहले लिख लेते हैं बाद में लगाया जाएगा, बाद में ऊपर किया जाएगा, 1/3
अंदर है आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यही ना है जी। चलिए ये 3 ऊपर चला जाएगा, या यू कहें तो ये ऊपर जाने ऊपर जाएगा और इससे ये कट भी जाएगा, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ये 3 इससे कट भी जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस 11, 3 तो कट चुका है, माइनस 11 फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में रूट 2 का स्क्वायर। तो देखो dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो देखो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ लॉग, क्योंकि स्टेप पड़ जाते हैं यार, कितना हम लोग बनाएंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन माइनस 11, इसका देखो इसका डिफरेंशिएशन देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो डिवाइड में 3 जाएगा एक, आपको पता है ना जी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा जो डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 बाई ए यानी कि रूट 2 टेन इनवर्स x बटा ए यानी कि 3x प्लस 1 और बटा में रूट 2 प्लस 6 सी आ जाएगा। समझ रहा ना ये 3 मैंने डिवाइड में क्यों लिखा है, बार बार मैंने बता रखा है। 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 11 बटा 3 रूट 2 टेन इनवर्स 3x प्लस 1 बटा में रूट 2 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन